या कोई काम चालू मत कर, जैसा होता आ रहा है वैसा करो, ज्यादा चालू कर लो, यहाँ भी धोख लगा लो, वहां भी धोख लगा लो, वहां भी लगा लो, वहां भी लगा लो। माता भड़ी भड़ी के माता दुखी आया, तो क्या मतलब का? सिर को नरियल मत बनाओ, जहां मंदिर मिला वहीं फोड़ दिया, ध्यान देना। सिर को सिर रहने दो, नरियल को अपनी जगह रहने। नमन सबको करो, प्रणाम सबको करो, आदर सबका करो, सत्कार सबका करो, पर अपने ही हिंदू धर्म के देवताओं का, अन्य देव में मत डोल जाना। छह शास्त्र, चार वेद, 18 पुराण, उपनिषद, इतने सारे भरे पड़े, इन्हीं को पकड़ के रख ले, कहीं मत डोल, इन्हीं से तर जाओ भाव, और नहीं तो अंतिम समय में तुम मरोगे, तुम्हें लोग ले जाएंगे कहां? अरे बोलो जम के शमशान में। और जीवात्मा को जब इस शरीर को जलाने के लिए ले जाएंगे, तो प्राण छूटते समय अब तुम भगवान को याद कर रही हो, और भगवान कह रहे हैं पूरी जिंदगी तो इधर उधर डोलती रही, बुला उनके नीचे, अब हापड़ी अटकी की अटकी रह गई, ना शंकर जी लेने आ रहे हैं, ना गणेश जी आ रहे, ना राम जी आ रहे, ना कोई बुला ले, चलिए। जिन जिन के धोख लगाई, फिर वही बात आ गई, एक बहू पूना में रह रही, मुंबई में रह रही, और एक तुम्हारे पास में रह रही, भले से कितनी भी झगड़ा हो जाए पर डुकरिया काम नहीं आएगा, याद रखना। जब बीमार पड़ेगी तो यही सादे, वो तो केवल फोन पे पूछ लेगी मम्मी को कहो साधेगी, यही। उसी तरह तुम किसी का भी स्मरण कर लो, अंतिम समय में शमशान में जो निवास करता मिलेगा वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही मिलेगा, दूसरा नहीं, वही मिलेगा, उससे ही मिलन होगा।